वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है इंटरनेट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, आपका बहुत सारे कंप्यूटर्स। ठीक है, इंटरनेट का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे कंप्यूटर जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, या तो वो वायर के द्वारा जुड़े हैं या वो वायरलेस के द्वारा जुड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग। होता क्या है कि हम लोग जो है वो नंबर्स के फॉर्म में उसको देते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। हम लोग किस ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में आपका बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन होता है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो खुल के आती है। ठीक, उस विंडो में सबसे पहले आपका बुलेटेड होता है, फिर नंबर होता है, फिर आपका होता है आउटलाइन लिस्ट। तो आउटलाइन लिस्ट में अब आपको क्या करना है, आज हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो हमारा है कि आउटलाइन लिस्ट को हमको कैसे कवर अप करना है। ठीक है, आउटलाइन लिस्ट का सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि आउटलाइन लिस्ट हमारी होती क्या है। तो आउटलाइन लिस्ट देखिए हमारी क्या होती है, आउटलाइन लिस्ट में हम लोग को क्या करना होता है। आउटलाइन लिस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई एक पॉइंट में लिखा। ठीक है, एक मैंने सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू के भी तो सब पार्ट होंगे। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से ये ए बी सी के फॉर्म में आया, या मान लीजिए आपने इसको 1 2 और इसको इस तरह से पॉइंट में लिखा, तो ये होता है आपका आउटलाइन फॉर्मेट। इसमें भी आपका ये भी आपका क्या होगा, जब हम लोग फॉर्मेट मेन्यू पे जब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो बुलेट एंड नंबरिंग में यहाँ पे तीन आपके ऐसे टैब बने होते हैं। फर्स्ट आपका होता है बुलेट का, सेकंड होता है आपका नंबर का, और तीसरा आपका आउटलाइन लिस्ट का ही होता है। ठीक है, तो जब आप इस आउटलाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको आउटलाइन के सारे ऑप्शन मिलेंगे। कहीं कहीं पे हम लोग 1 के बाद इस तरह से 1 2 3 आता है, कहीं पे एक यहाँ पे लिखा होगा और उसके बाद इस जगह पे जो है वो यहाँ पे ए बी सी आएगा, कभी स्मॉल लेटर्स में कभी कैपिटल में। तो वहां पे आपके बहुत सारे उसके ऑप्शंस दिए होंगे कि आप किस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं। आप बस उस फॉर्मेट को सेट कर लीजिए, सबसे लास्ट में ओके बटन होता है, आपने ओके बटन क्लिक किया और अब आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपका आउटलाइन के फॉर्म में है। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब आपका जो पॉइंट आता है वो ये है कि बुलेट और नंबर्स का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बुलेट और नंबर के हम लोग स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी आपसे बताए कि बुलेट में आपका बाय डिफॉल्ट ये आपका ब्लैक सर्किल होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम ही चाहे स्टार बन के आए, उसमें कोई फ्लावर का डिजाइन बन के आए, या उसमें जैसे मैं जो एरो बनाती हूँ या इसमें ये इस तरह का एरो बन के आ जाए, तो इस तरह की जो चीजें होती है ये हम लोगों को चेंज करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं बुलेट और नंबर की शैली चेंज करना, उसका स्टाइल चेंज करना। क्लियर, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों का ऑप्शन वही है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग फॉर्मेट सबसे पहले तो हमें जिस आपका जिस भी टेक्स्ट की या जिस भी लिस्ट की हमको शैली, जिसका कि हमको बुलेट और नंबरिंग की स्टाइल चेंज करनी है, पहले हम लोग उस बुलेट और नंबर पर जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने उस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हमने फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा उसमें हम लोगों ने क्या किया, आपका नंबर और एंड बुलेट बटन पे हम लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, नंबर और बुलेट बटन पे क्लिक किया। अब उसके बाद जब आपका नंबर और बुलेट बटन पे क्लिक कर दिया, तो वहां पे फिर वही चीज हो गई कि जो विंडो आपके पास खुल के आई, ये आपके पास एक विंडो खुल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके यही तीन ऑप्शंस होंगे, पहले में बुलेट, फिर नंबर और फिर आपका आउटलाइन व्यू। अब अगर बुलेट में अगर आपकी को आपको उसकी शैली चेंज करनी है, नंबर में शैली चेंज करनी है या आउटलाइन व्यू में चेंज करनी है, जिसमें आपको चेंज करनी है, पहले आप ये जो सबसे ऊपर आपका होगा जिसको कि हम लोग टैब कह रहे हैं, आप इस टैब को चेंज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस टैब को चेंज करेंगे, हम लोग इस टैब को चेंज करेंगे, और जैसे ही हम लोग इस टैब को चेंज करेंगे तो सारे उसके उस पर्टिकुलर के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे।
आप उसमें से कोई भी एक जो आपको पसंद है, आप वो स्टाइल, वो शैली आप सेलेक्ट कर लेंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, उसके बाद आप ओके बटन कर देंगे। उसके अलावा क्या होता है, इसमें एक कस्टमाइज बटन होता है, ठीक है। इस कस्टमाइज बटन के द्वारा आपके जितने डिस्प्ले हो रहे हैं उसके अलावा भी, जैसे मान लीजिए अगर हम एरो जो बन रहा है उसकी थिकनेस हम ज्यादा चाह रहे हैं, स्टार हमारा थोड़ा, जैसे ये डॉट जो हमारा सर्किल बन के आ रहा है ये थोड़ा हम चाह रहे हैं थोड़ा बोल्ड और इटैलिक में आए, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज में आए, तो ये सारे स्टाइल जो है वो कस्टमाइज से हम लोग जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो आउटलाइन व्यूज आज हम लोगों ने क्लियर किया, और हम लोगों को ये था कि हम लोग के जो बुलेट और नंबर है इनके हम लोग स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका है टैब्स। टैब का मतलब क्या होता है कि टैब आपका जो कोई भी आपके जो टेबल होती है जब आप उसको रो वाइज सेट करते हैं तो उसमें टैब की सिचुएशन हम लोग चेंज कर सकते हैं या टैब स्टॉप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टैब का मतलब होता है लेफ्ट और राइट मार्जिन, क्लियर है। टैब का मतलब क्या हो गया आपका, लेफ्ट और राइट मार्जिन है ये, इसको हम सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका टैब जो होता है वो आपका 5-5 इंच पे, 0.5 के इंच पे के गैप में होता है, बाय डिफॉल्ट 0.5 के गैप में होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। ये आपका मल्टीपल चॉइस में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा भी जा सकता है कि टैब जो है वो, टैब स्टॉप जो है लेफ्ट साइड वाला आपका जो टैब स्टॉप है वो कितने इंचेस में आपका सेट होता है, वो आपका जो है वो 0.5 इंच में आपका सेट होता है। अब उसके बाद बारी आती है कि टैब स्पॉट जो आपका टैब स्टॉप है वो कितने तरीके के होते हैं, तो टैब स्टॉप में आपको बता दे रही हूँ, टैब स्टॉप जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका टैब स्टॉप होता है लेफ्ट टैब स्टॉप, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं बायां टैब, ठीक। नेक्स्ट आपका है टैब स्टॉप, हाँ, तो आपके यहाँ पे 4 तरीके के टैब स्टॉप होते हैं। फर्स्ट आपका है लेफ्ट टैब स्टॉप, क्लियर। सेकेंड आपका क्या है, राइट टैब। सेकेंड आपका है राइट टैब। फिर उसके बाद आती है बारी थर्ड की, तो थर्ड आपका होता है मिडिल टैब, इसको भी हम लोग कहते हैं मध्य टैब, मिडिल टैब। उसके बाद जो आपका थर्ड आता है दिस इज द डेसिमल टैब, डेसिमल टैब, ठीक है। तो अब आपका जो पहला वाला टैब है वो क्या करता है, जो आपकी रो है, जो पंक्ति है, उसको वो लेफ्ट साइड से सेट कर देता है। फिर उसके बाद आपका सेकंड आपका आता है राइट, यानी कि राइट टैब का मतलब क्या हो गया कि वो जो आपका टेक्स्ट है उसको वो दाएं ओर टेक्स्ट को पंक्तिबद्ध हो जाता है, यानी कि वो राइट साइड में पूरा जो है वो राइट साइड में लेके उसको सेट कर देता है। मध्य टैब का मतलब होता है कि जो भी आपने लिखा है वो आपका सेंटर में आ जाता है, जिसको कि हम लोग मिडिल टैब और जिसको कि हम लोग सेंटर टैब भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सेंटर टैब भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है डेसिमल टैब। डेसिमल टैब का मतलब क्या होता है, आपका टैब स्टॉप पर जो दशमलव बिंदु जो होते हैं वहां पर आपके टैब जो है वो सेट हो जाते हैं। तो 4 टैब आप लोग को एक बार फिर से देख लीजिए, लेफ्ट टैब, राइट टैब, इस मिडिल टैब को आप सेंटर टैब भी कह सकते हैं। लेफ्ट टैब का मतलब सपोज मान लीजिए ये स्क्रीन आपका एक पूरा पेज है, लेफ्ट टैब का मतलब क्या हो, जो भी हमने लिखा है चाहे वो पंक्ति में ही लिखा है वो पूरा का पूरा आपका लेफ्ट साइड में एक तरफ आ जाएगा। राइट का मतलब क्या हो, पूरा जो भी लिखा है वो आपका राइट साइड में आ जाएगा। सेंटर का मतलब बिल्कुल पेज के बीच में आ जाएगा, जैसे मैंने ये शिवाजी इंटर कॉलेज या आपका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा है, लिस्ट टैब ये लिखा है, तो ये चीज मैंने सेंटर में लिखी है ना, तो ये आपका एक बार में आपका सेंटर में ही आएगा। दशमलव या आप जिसको डेसिमल टैब कह रहे हैं, डेसिमल में क्या होता है, जो टैब है वो आपके पॉइंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये सारी चीजें क्लियर होती है। उसके बाद अब आपकी बारी आती है बच्चों कि हम लोग को टैब कैसे सेट करना, ये चीज हम लोग